भाइयों भैया गाड़ी लेके आ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। पता नहीं कहाँ खड़े हैं, ये खड़े हैं। तो बंद कर देता हूँ, फिर उनके पास चलते हैं। पता नहीं अकेला है, कोई आया साथ में, कोई आया शायद साथ में। ड्राइवर को भी लाए होंगे साथ में। क्या रहता है जी, और कैसे हो? सबसे पहले तो राम राम भाऊ जी। भाई देखो मैं अभी तुम्हें लेटेस्ट फीचर दिखाता हूँ वेन्यू एनलाइन का। ये एनलाइन 8 है, एनलाइन 6 में भी है? एनलाइन N8 में ही है ये। ये देखो ये इसमें डैश कैमरा ना कंपनी से फिटेड होके आता है, जिसमें क्या है कि इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, अंदर की और बाहर की दोनों रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये आजकल ना ये यूजली मतलब जितनी भी बाहर गाड़ियाँ होती हैं आउट ऑफ इंडिया उनमें तो होते ही है, पर ये इंडिया में भी आने लगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कई बार एक्सीडेंट होता है पता नहीं चलता कि किसकी गलती थी, तो वो सही रहता है। और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है अपना, ये इसका स्टेयरिंग है जिसमें पूरे कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो फिलहाल मेरे पास गाड़ी है ये N8 है। N8 और N6 दो मॉडल आते हैं। N6 और N8 में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से दो तीन ही अंतर, एक तरह से कैमरा नहीं आता और सिक्स एयर बैग नहीं आते हैं। N8 में सिक्स एयर बैग होते हैं और हुंडई ब्लू लिंक नहीं आता, ठीक है। और इस तरह से इसका कुछ डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें ऑटोमेटिक ये एयर क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये आपका सेटअप है पूरा, ठीक है। इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। और ये मिड में एसी वेंट्स हैं इसके, वो अपने साइड एसी वेंट्स हैं। इस तरह से ओपन करने के लिए कुछ आ जाता है। ये इसका कुछ डिजिटल मीटर है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का कुछ सिस्टम है क्या? ये क्या है? नहीं, माइलेज शो करेगा। अच्छा, तो भाई ये माइलेज शो करेगा। इस तरह का साइड एसी वेंट आता है ड्राइवर साइड का। ये आपका स्टार्ट स्टॉप बटन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और ये व्यू है इसमें, 360 व्यू है? नहीं, इसमें आपको 360 व्यू नहीं मिलता, अदरवाइज होता तो यहाँ जाता। वो मोड मिल जाते हैं आपको इसमें, ड्राइविंग मोड। अच्छा, इस तरह से ओपन करने का कुछ आ जाता है इसका। ये विंडो कंट्रोल है सारा, ये ORVM का ऑटोमेटिक ORVM कंट्रोल है। ये इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। ये दो USB सी टाइप चार्जर है। और ये कूलिंग का बॉक्स, एम्बिएंट लाइट कुछ ऐसी सी, ठीक है। और ये IRVM जो कि नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ये SOS सिस्टम है इनका, हुंडई वालों का, जो आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि आप सैटेलाइट से डायरेक्ट हर कहीं फंस जाते हैं और डायरेक्ट उसको कनेक्ट करके अपनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके यहाँ पे दोनों बोतल रखने के लिए आ जाते हैं। भाई देखो जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा, ये इको स्पोर्ट और नॉर्मल मोड आएंगे। ये देखो इसमें शो हो रहा है ना, देखना अभी जूम कर देता हूँ। अभी देखना इसमें इको, ये अभी फिलहाल स्पोर्ट मोड पे, अगर मैं इसको नॉर्मल में कर देता हूँ, ये नॉर्मल में हो गई, ये इको मोड में है और स्पोर्ट मोड में। जब आपको तेज चलानी तो आप स्पोर्ट मोड में कर सकते हो, तो एन लाइन में आ जाती है, और वैसे नॉर्मल में चला सकते हो। इको में पेट्रोल सेविंग मोड में जाती है। फिलहाल हमारे पास जो है ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डी सी टी वो है, ये डबल क्लस्टर। और ये इस तरह से इसका कुछ हैंड रेस्ट आ जाता है, और इतना सा इसमें स्पेस मिलता है, तो भी सही है। पावर स्टीयरिंग, ये इसमें सनरूफ है, मिनी सनरूफ। अभी भाई बारिश हो रही है इसलिए पूरी खोल नहीं सकते, देखो कितना अच्छा माहौल रखा है, देखो बारिश हो रही है पूरी, ठीक है। तो अभी इसको खोल नहीं सकते, बट ये कि छोटी सी इनफ है, जितनी मेरे ख्याल से ब्रीजा में आती है उतनी ही है, सेम टू सेम। और हुंडे में तो पता नहीं कब से आता है, बहुत पुराना है। इस तरह से कुछ साइड में भाई साइड पकड़ने का नहीं आता, इनका आता है ड्राइवर साइड में किसी गाड़ी में नहीं आता। ऐसे ओपन होगी सनरूफ, ये क्या था ऊपर वाली? अच्छा इस, अच्छा मुझे उसकी आदत है। उसमें क्या आता है, उसमें पता है क्या है, जो इन्होंने विटारा लॉन्च किया है उसमें यहीं से पहले इसकी ये खुलेगी अपने आप ऑटोमेटिकली, आप हाथ से नहीं खोलोगे। नहीं नहीं, इसमें हाथ से खोलेगी। हाँ, ये खुल जाएगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये खुल जाएगी। नहीं वो ऊपर वाली, अरे बंद करो भाई, गड़बड़ हो गई। अभी तो बारिश हो गई थी जैसे हमने कह रहा, पानी देखो भैया भीग भी अंदर आ गया पानी एकदम से। ये बाद में खुलता होगा इसमें, है ना, उसमें क्या है ना कि पहले वो खुलेगा फिर ये खुलेगा। चलो भाई अब थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करते हैं इसकी गाड़ी अभी। हाँ सुन लिया भाई, तो भाई
आज हो रही है बारिश। अब बताओ यार कहाँ लगा दी, ये कोई लगाने की जगह है यार? देखो ये डीआरवी में चलती गाड़ी में भी शो करता है पीछे, ये देखो। और भाई ड्राइविंग तो मुझे बढ़िया लग रही है। एन लाइन में भैया डिफरेंस क्या है नॉर्मल में और एन लाइन में? पावर कट तो सेम है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो मेन वही है कि ग्राफिक्स आ जाते हैं। अच्छा। इंटीरियर ब्लैक आ जाता है, स्पोर्टी लुक आ जाता है, साइलेंसर चेंज है, डबल साइलेंसर आ जाता है। अच्छा। इसमें वॉइस गाड़ी की अलग ही होती है, आवाज आ रही होगी आ रही है। हाँ वॉइस और थोड़ी स्पोर्टी वॉइस आती है। ये तो है भाई गाड़ी में ना थोड़ी सी स्पोर्टी वॉइस आती है भैया। अगर मैं ब्रीजा भी आजकल बढ़िया आ रही है, अगर ब्रीजा में और इसमें का पूछूं कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही रहती है तो फिर क्या बताओगे आप? देखिए ब्रीजा 1500 cc में आती है। हाँ 1500 में आती है बिल्कुल। पावर इसकी इससे कम है, इसका एवरेज इसका, अच्छा 1500 cc में उसकी पावर कम है इससे? पावर कम है इससे, ठीक है। इसकी 110 के आसपास है, इसकी 120 है। नहीं तो पर ये है ना कि इसमें अगर चार लोग बैठ जाएंगे थोड़ी दब जाएगी, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? दबेगी नहीं सर, दबेगी नहीं, टर्बो इंजन दबता। अच्छा भाई पिकअप तो बड़ा धासु है, गाड़ी एकदम उठ रही है एकदम। वही तो टर्बो का यूज़ तो खास बात, टर्बो मतलब फील हो रहा है आपको टर्बो? और जो आप अगर नॉर्मल गाड़ी चलाते होगे ना और इसको चलाने का जब वो चलाओगे तो टर्बो लैग फील होगा तुम्हें, कि मतलब जो डिफरेंस है टर्बो का वो पता चलेगा। गाड़ी ना बिल्कुल दब के चल रही है और आपको ना मतलब जैसे सीटिंग देखूँ मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पूरे पैर खुले हुए हैं इस टाइम, देख रहे हो मेरी चोट लगी थी, उसमें स्लीपर पहन रखी है तो, पर ये देखो पूरे पैर खुले हुए हैं, पूरे आराम से ऐसे नहीं लग रहा कि मैं भिज के बैठा हूँ। ये हमारे पीछे एक बाबू जी बैठे हुए हैं, बाबू जी कैसा लग रहा है आपको पीछे बैठ के? बढ़िया लग रहा है, पीछे ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि मतलब दबे दबे से फील हो रहे हो छोटे छोटे से? अच्छा लग रहा है, उनको यार लग रहा है कि बहुत अच्छा स्पेस है, अच्छा भी लग रहा है। पर कहने की बात ये है कि यार देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, जब ऊंची गाड़ी लोगे बड़ी गाड़ी लोगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, पर उस हिसाब से चार बंदों के लिए तो बहुत परफेक्ट गाड़ी है ब्रीजा। और इसमें यार जैसे ब्रीजा का मुझे अगर देखा जाए तो हुंडई की और मारुति की गाड़ियों में ना, इवन नेक्सा की में भी सिर्फ एक यही डिफरेंस दिखाई देता है मोस्टली, जो बड़ा डिफरेंस है एक तो इसकी गाड़ी की क्वालिटी, जब ड्राइव क्वालिटी करते हो ना तो आपको वो वाइब्रेशन फील नहीं होती जो मारुति की गाड़ियों में वाइब्रेशन से फील होगी, मतलब आपको एक रफनेस है टफनेस ही फील होगी, ये बड़ी स्मूथ गाड़ियाँ होती हैं ना। और एक थोड़ा सा पता है क्या फील होगा आपको कि ये जो गाड़ी है ना ये मतलब कि लग्जरी फील होंगी उनसे ज़्यादा थोड़ी सी। इसमें भी हॉर्न वही देना चाहिए था क्रेटा वाला, हॉर्न हल्का है इसका थोड़ा सा, हाई वे पर आ चुका है ये देख रहा हूँ, 23 शो कर रहा है और 23 पे ही रहेगा, मतलब ये मेंटेन करेगा 23 AC इसका, कि जो अपना अंदर का एटमॉस्फेयर है वो कूल रहे, कूल रहे या जैसे जो भी कह लो नॉर्मल रहेगा 23 डिग्री, जब इतना हो जाएगा वो। ट्रैक्टर भाई सवार है भाई, ओ हो अंकल जी बारिश में मत क्या करे, देखा भाई लोग आपने अभी अंकल जी ने कहा जो अस्थी घुसे बीच में भाई, साउंड सुनना ध्यान से, ये सुनाई दे रहा है ये साउंड है वो जिसके बात हो रही है, वो ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा यार। पावर में तो कोई लैग फील नहीं हो रहा मेरे को इसमें, मतलब हर जगह से कहीं से अगर गाड़ी अट भी जाती है ना तो बड़ी स्मूथली, मतलब मेरे ख्याल से पैर भी नहीं रखना होता, वो अपना जो एक होता है ना इसका पिकअप उसमें उठा लेती है गाड़ी बिना एक्सीलेटर के भी। हाँ बिना एक्सीलेटर के, वही कहना चाह रहा हूँ मैं, बिना एक्सीलेटर की ही गाड़ी अपने आप उठा लेती है जो कि ठीक है। वेन्यू का नया जो SOS फंक्शन है, वेन्यू का नहीं हुंडई का, वो क्या है कि सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है और अगर आप कहीं भी फंस जाते हो तो इस बटन को प्रेस करके डायरेक्टली उनके कस्टमर केयर से कॉल करके बता सकते हो और वो आपको करंट लोकेशन लेटेस्ट जो उसकी नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा उसको देखे, और स्टेशन या फिर हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन या फिर हॉस्पिटल जो भी नियर बाय होगा आपसे उनको आपकी लोकेशन देके उनसे आपकी हेल्प करवाएंगे कुछ। तो भाइयों अभी मैं बैठा हूँ आपकी वेन्यू एनलाइन में जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है इसी मंथ में, और इसकी इसका मैं साउंड आपको सुनाता हूँ। इसमें बॉस के स्पीकर्स नहीं आते हैं, क्रेटा वगैरह में आते हैं, हुंडई मोबिल्स के इसमें आते हैं, हुंडई मोबिल्स के, ठीक है। तो उसका साउंड देखना आप कैसा है, सुनाता हूँ आपको गाना, सुनना बताना मुझे कैसा लगा। मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली, मेरे दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा।
तो भाई वो बताना मुझे कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सच बताऊं इससे पहले मैंने वो देखी टुसोन, इसमें और उसमें मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। अच्छा लगा, अच्छा लगा, साउंड अच्छा था। ऐसा ही लग रहा है कि आपको बॉस का नहीं है, मतलब सुन सकते हो आप कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे से। हुंडई की हर गाड़ी की साउंड क्वालिटी और देखो हुंडई में पता है थोड़ा सा जो मेरे को डिफरेंस लगता है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है हुंडई का ना फील जो होता है ना, जिसे आप फील बोलोगे प्रीमियम, मतलब प्रीमियम फील आएगा। एक तो होता क्या कि जैसे आप मारुति के नेक्स्ट ही कोई भी गाड़ी लेते हो, मैं अभी सर से क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस गाड़ी का प्राइस क्या है, तो सर ने बताया इस गाड़ी का प्राइस बैठेगा आपका लगभग 15 लाख रुपए का, 15.5 का है ना, 15.5 लाख का बैठेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर से कि सर 15.5 लाख में तो मेरे ख्याल से आसपास ग्रैंड विटारा भी आई जाएगी, टॉप मॉडल ही आ जाएगा या उससे लास्ट टॉप आ जाएगा, जो भी होगा मतलब अच्छी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, उसमें पैनोरमिक सनरूफ है जबकि इसमें सिर्फ सनरूफ है, तो वाई शुड वन गो टू दिस वन, मतलब इस पर्टिकुलर गाड़ी को क्यों चूज करना चाहिए। तो उसमें से फिर मैं अपना पर्सनल बताऊँ ना, तो मेरे को इस गाड़ी का ना एक फील होता है, हुंडई की गाड़ी का ना एक फील होता है जो एक प्रीमियम फील देती है हर चीज़ में। आप अपना साउंड सुन लो उसका, चाहे उसका टच सुन लो, चाहे उसका स्क्रीन टच ले लो, चाहे उसका ड्राइव ले लो, वो फील होता है जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब फीचर्स होता ना कि मैंने एक एंड्रॉइड का फीचर भी होता है, एक होता है फीचर एप्पल का भी, दोनों में सेम ही फीचर होते हैं पर एक फील होता है दोनों में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना अंतर दिखता है। प्रीमियम क्वालिटी यूज करते हैं शायद ये, जहाँ तक है थोड़ा सा। एक तो ये जो जिसमें हम अभी बैठे हैं हुंडई वेन्यू, ये गाड़ी यार यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इसको जो मतलब जो थोड़ा तेज चलाने के शौकीन होते हैं यार, साउंड अच्छा सुनते हैं, जिनको फील चाहिए होता है, गाड़ी में ग्राफिक्स वगैरह चाहिए हो, साउंड अच्छा चाहिए हो, लुक अच्छा चाहिए हो, ठीक है। और इसका एवरेज मेरे ख्याल से क्या एवरेज देती है, 18+ का एवरेज कंपनी क्लेम करती है इस पे, जो अच्छा है। एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखना इसमें, इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक वो आ जाते हैं, आप इसको ऐसे करके ऐसे बटन दबाओगे तो आगे हो जाएगी, ऐसे बटन दबाओ पीछे चली जाएगी, ऐसे दबाओगे तो मेरे पीछे से मतलब वो आगे हो जाता है मेरी बैक के लिए, और ऐसे करोगे तो पीछे की तरफ हो जाता है रिक्लाइन, रिक्लाइन। तो ये फीचर है इसमें भाई, 16 इंच के इसमें टायर आ जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं वेन्यू के साथ। देखो मैन लाइन की बैजिंग आ रही है, देख रहे हो ये आपके अलॉय व्हील्स में, उसका लुक देखना फ्रंट, ओहो उसकी फ्रंट ग्रिल देखो कितनी अच्छी लग रही है, जो नए वाली ग्रिल आई ना वो उससे कनेक्टेड वाली, वो इन्होंने कनेक्टेड वाली ग्रिल दी है इसकी पूरी, और इस तरह से इसकी कुछ DRLs आ जाती हैं पूरी राउंड में, पूरा स्क्वायर शेप में आती हैं, और ऐसी वेन्यू एंड लाइन की बैजिंग दे रखी है नंबर प्लेट पे। ये इसका फ्रंट रियर गार्ड है, ग्रिल तो इन्होंने कुछ अलग ही निकाल रखी है अच्छी, एंड लाइन की बैजिंग आपको ग्रिल पे ही मिल जाती है। ये एंड लाइन में ब्लैक कलर के आपको RVMs मिलते हैं, ठीक है। इसका जो टायर है, टायर साइज क्या है, 215/60R16। अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो गे, इसमें जो वो मिलते हैं ना, क्या कहते हैं आपके ब्रेकिंग सिस्टम, वो चारों टायरों में डिस्क है, ये देखो चारों टायरों में डिस्क है। यार बारिश हो रही है, देख रहे हो कितनी तेज़ पूरा पानी हो रहा है, अभी भी लाइव बारिश हो रही है पर हम लोग लगे हुए हैं। और ऐसे ये आपका रेंज रोवर वाला लुक है क्या, थोड़ा बहुत कनेक्टिंग, इसमें भी थोड़ा सा मुझे रेंज रोवर से इंस्पायर्ड लुक लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा पर थोड़ा सा लग रहा है कि उससे इंस्पायर्ड है। और ये कनेक्टिंग टेल लैम्प, टेल लाइट्स है इसकी, देखना वाओ कितनी अच्छी लग रही है कनेक्टिंग टेल लाइन, ठीक है। ये रियर का नीचे रियर गाइड, दो साइलेंसर लुक दे रखे हैं इस तरह की, रिफ्लेक्टर है, ये बैक लाइट है और ये इंडिकेटर है, ऐसी दोनों तरफ आ जाता है, ये पीछे एनलाइन की बैजिंग मिल जाती है, ये दो साइलेंसर हैं। अपन चलते हैं जल्दी अंदर, ठीक है भाइयों। इसमें ये टच वो मिल जाता है आपको, फोन भीग चुका है मेरा पूरा। एक और चीज़ भाइयों, इस गाड़ी में ना इन्होंने देखो हर जगह एनलाइन की बैजिंग दे रखी है, देखो आपको स्टेयरिंग में भी इसके एनलाइन की बैजिंग मिल जाती है, इसमें क्रूज कंट्रोल के भी है, कंट्रोल ही से ही, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो मेन यही था, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो भाई डिफोगर्स भी हैं इसमें रियर के और फ्रंट के, अगर आपके रियर और फ्रंट उसमें वो आ जाता है फॉग, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं ऐसे रियर के लिए और फ्रंट के लिए, तो ये सही हो जाएगा भाई। अब गाड़ी चला के देखता हूँ एक बार स्पोर्ट मोड में, इसका मोड चेंज करके देखता हूँ, अब गाड़ी आ गई स्पोर्ट मोड में, स्पोर्ट मोड में अच्छा ड्राइव करके देखते हैं। तो देखो भाई हम ना स्पोर्ट मोड में इसका टर्बो चेक करता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा तेज है और ज़्यादा, भाई पीछे फेंक रहा है गाड़ी का टर्बो, पीछे फेंक रहा है गाड़ी का, साउंड देख रहे हो, आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ विंडो ओपन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर इसमें आता है तो भाई बहुत तगड़ा साउंड है, जो कि विंडो बंद करके हमको इतना आ रहा है, विंडो ओपन करके तो नहीं कितना आ जाएगा।
एक बार विंडो ओपन करके ना आपको साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्या साउंड है इसका, देखना आप टर्बो का, ठीक है आप देखना। देख रहे हो भाई साउंड, साउंड की क्वालिटी अलग ही है भाई। हुंडई की गाड़ी में तो यार मुझे वो फील आता है, हुंडई की गाड़ी में बस यूं मान लो इसीलिए बिकती हैं। और जिन लोगों को शौक होता है ना अच्छी गाड़ी लेने का और थोड़ा सा ठीक ठाक बजट में, ऐसे नहीं बहुत महंगी, तो वो लेते हैं हुंडई की गाड़ियां। आपको क्या लगता है सर, आपने तो और भी चला रखी है, आप बता रहे हो मारुति भी चलाई, ये भी चलाई, आपको क्या लगता है? ये सर, ये इसका सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब गाड़ी आप खरीदते हैं कुछ टाइम तक तो उसकी एसी की क्वालिटी सब बढ़िया रहती है, कुछ टाइम बाद क्या होता है डल होनी चालू हो जाती है दूसरी गाड़ियों की। हाँ, हुंडई के अंदर ऐसी चीज नहीं है। हाँ, तो वही वाला वही वाली बात हो गई ना, 15 साल पुरानी सेंट्रो आप उठा के देखोगे उसकी क्वालिटी आपको ऐसी की ऐसी मिलेगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये होगा कि जो हुंडई है वो अपने पार्ट्स की क्वालिटी नहीं करता। मारुति भाई चलो अपने प्रोडक्ट की वारंटी जो दे रही है इस समय 2 साल 40,000 किलोमीटर की दे रही है। अच्छा, जो कंपनी दे रही है। अच्छा, बाकी पेड़ करके देते हैं। अच्छा, और हम जो हुंडई वारंटी दे रही है वो 3 साल की दे रही है, 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की। अच्छा, और जो सर्विस टाइमिंग है मारुति का 5,000 किलोमीटर पे है, इसका 10,000 किलोमीटर पे है। अच्छा, तो ये तो जाहिर सी बात हो गई, फर्क है, डिफरेंस तो ही। इस तरह का इसका कुछ कूल बॉक्स आ जाता है जिसमें कूलिंग होती है आपको, ठीक है। ये इसकी लेदर फिनिशिंग की शीट आती है जो कि बहुत ही अच्छी है। ये आपका साइड लुक आ जाता है, लेदर लुक दे रखा है यहाँ पे, बाकी सब तो प्लास्टिक है बट ये थोड़ा सा लेदर लुक दे रखा है जो अच्छा लग रहा है। और आपको पूरी गाड़ी में ना हर जगह लाल लाल रेड कलर की ना बैजिंग, रेड कलर की ना इसमें बैजिंग दिखाई जाती है। देखो भाई, उसमें आपको 2 लाइट तो फ्रंट में मिल जाती हैं जिन्हें आप ऐसे प्रेस करके चला सकते हो या फिर ऐसे भी चला सकते हो, सिंगल दोनों एक साइड से, ठीक है। और एक मिल जाती है आपको यहाँ पे बैक सीट के लिए जिससे आप ऐसे चला सकते हो पीछे। अब हमने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैक में भी, तो बैक में स्पेस, यार स्पेस जो है ना बैक का ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है बट ठीक है, मतलब नी रूम स्पेस में आपको ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। और ये ऐसे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं पीछे जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जिनकी एयर को ये से कम हो जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। और ऐसे जो पीछे बैठे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए ऐसा कुछ पीछे का इंटीरियर मिल जाता है, ये इधर से ही मिल जाता है, ऐसा हैंड रेस्ट रखने के लिए आप ऐसे हाथ रख सकते हैं। और ये पीछे ऐसी कुछ ट्रे मिल जाती है जिसको जिस पे आप सामान रख सकते हो अपना। और पीछे देखो, इसमें से दिखाई दे रहा है पीछे आपका, क्या बोलते हैं इसको, वाइपर। ये देखो भाइयों, इसमें पीछे 5 सीटर है ये, ठीक है। और ऐसे करके इसके ये वाली जो सीट होती है ना, ये बेल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कॉर्नर वाले बंदे के लिए हो गई, ये वाली जो सीट बेल्ट है मिड वाले बंदे के लिए हो गई, ठीक है। एक इधर से आती है सीट बेल्ट, ये वाली जो गई साइड वाले के लिए, तो टोटल 3 बंदों के लिए सीट बेल्ट आती है पीछे। और ये कंपलसरी हो गई है, 6 एयरबैग्स हैं इसमें। यार देखो, एक चीज़ जो मुझे अभी रियलाइज़ हुई ना, वो है थोड़ा सा इसमें ना, जैसे आपका गेट ना बहुत छोटा है, ये देखो, ये मतलब डिज़ाइन में मान लो आप, इसके डिज़ाइन में जो पीछे बंदा बैठा हुआ थोड़ा तगड़ा सा बैठ गया, उसको तड़ने बड़ी, ये देखो ये फंस गया है, ये जिसको मैं पूरा दुकाना से निकल रहा हूँ तो कहीं लग ना जाए, ये थोड़ा सा है, 350 लीटर का बूट स्पेस आता है इसमें, लाइट मिल जाती है। इसकी स्टफनी कहाँ है, ऐसे कुछ इसमें स्टफनी मिल जाती है, ये 15 है, ये भाई 195/65 मतलब 15 इंच के, 15 इंच के इसमें अलग वो टायर मिल जाता है, ऐसे कोई डिग्गी है, ठीक है। और ये इसमें पीछे वाइपर है, हाँ एक सेकंड, ये इसका शार्क एंटीना ऐसा, देखो इसका शार्क एंटीना, अच्छा हाँ। एक और चीज़ जो वेन्यू में स्पॉयलर होता है वो नहीं आता है, सिर्फ एन लाइन में आता है, अच्छा सा स्पॉयलर निकाल रखा है। और इस तरीके से कुछ रूफ रेल आ जाती है जो कि ब्लैक कलर की, बैक कलर की, जो कि इस बॉडी टच नहीं है इसमें, बिना बॉडी टच। आउटर में देखो हर जगह आपको रेड रेड लाइन मिल जाएगी जो आपको एन लाइन की याद दिलाएगी, सिर्फ एन लाइन वाले जितने वो है ना पीसीस, जितने मॉडल हैं उनमें है, सिर्फ चारों तरफ आपको एन लाइन की बैजिंग मिलेगी और साथ में रेड लाइन्स मिलेंगे, ठीक है। गाड़ी का साइड लुक कुछ ऐसा है और बैक लुक कुछ ऐसा है।